हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रीति फ्रॉम एन आर्टिस्ट स्केच बुक। और आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वो है इंडियन ब्रांड माइस्टिया। पेपर प्रोडक्ट का ब्रांड है जो कि वाटर कलर पेपर बनाता है, हैंडमेड पेपर बनाता है। उसका रिव्यू मैं करने जा रहा हूँ। तो मैंने ये अमेज़न से मंगवाया है। ये मैस्टिया का हैंडी ब्लॉक है, जैसे वाटर कलर ब्लॉक होता है, फोर साइडेड ग्लूड होता है, वैसे ही एक हैंडी ब्लॉक है। साइज लगभग A4 साइज का है, 8.2 × 11.70 इंच का है। 300 GSM पेपर हैंडमेड पेपर है, ठीक है, कोल्ड प्रेस्ड है। कंपनी का कहना है कि 100% कॉटन है, ठीक है। तो देखने जा रहा हूँ मैं, ये मैस्ट्रिया का ब्रांड का लोगो है, क्लासिक मैस्ट्रिया पेपर। टेक्सचर ठीक है, पेपर का ख़राब नहीं है। मैंने ये जो मंगवाया, ये हैंडी ब्लॉक में कंपनी का जो अवेलेबल था वो था बफ कलर, यानी ऑफ वाइट कलर। वाइट कलर भी है कंपनी के पास, वाइट कलर का पेपर भी है, फुल्ली वाइट, जिसको नेचुरल वाइट हम लोग बोलते हैं। लेकिन उसका ब्लॉक नहीं था, उसके पास शीट था। तो मैंने ये ब्लॉक मंगवाया। मैंने इसमें 3-4 पेंटिंग ऑलरेडी बनाया है, उसके बाद ही मैं ये रिव्यू देने जा रहा हूँ। मैं एकदम ऑनेस्टली ये रिव्यू देने जा रहा हूँ, ठीक है। इंडियन ब्रांड है, कोशिश काफ़ी अच्छा है। ब्लॉक में, शीट में और फुल शीट में भी कंपनी का पेज अवेलेबल है। तो मैंने पहले यहाँ का 3-4 मैंने जो पेंटिंग बनाया मैं वो दिखाना चाहता हूँ। ये मेरा पहला पेंटिंग था इस पेपर के ऊपर। ब्राइटनेस जो बफ कलर है उसके लिए ब्राइटनेस तो थोड़ा सा कम आएगा, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। बात यह है कि मोल्ड रेजिस्टेंस जो होता है पेपर का, वाटर कलर पेपर का, जो मोल्ड रेजिस्टेंस टेक्निक आजकल जो हुआ है, वो मोल्ड रेजिस्टेंस टेक्निक इसमें नहीं है, एकदम सी नहीं है। बहुत ज़्यादा मोल्ड होता है पेपर को, वेट एंड वेट में काम करने में। स्काई को आप जब पहला वॉश जब कीजिएगा, वेट कीजिएगा पेपर को, तो वो बहुत ज़्यादा मोल्ड होता है, ठीक है। कलर अच्छा अच्छा पकड़ता है, कलर अच्छा पकड़ता है। और पेपर में जो वेटनेस जो चाहिए वाटर कलर पेपर का, वाटर होल्ड करने का जो प्रोसेस है वो अच्छा है। सेकेंडली, ये मैंने बनाया, इसमें भी बहुत ज़्यादा वेट एंड वेट का काम मैंने किया है। स्काई में और इधर मिडिल ग्राउंड फोरग्राउंड दोनों में वेट एंड वेट का काम किया है। कलर अच्छा बैठा है, लेकिन वही बात है, बहुत ज़्यादा मोल्ड होता है पेपर। ये थोड़ा सा डिफरेंट मैंने बनाया, बहुत ज़्यादा वेट एंड वेट का काम नहीं है, थोड़ा पकड़ के काम किया है, अच्छा आया काम, अच्छा आया। लास्टली ये पेंटिंग मैंने बनाया है, इसमें थोड़ा वेट एंड ड्राई, वेट एंड वेट और ड्राई ब्रश स्ट्रोक बहुत कुछ लेके मैंने ये काम किया। हाँ, ये भी अच्छा आया, ख़राब नहीं आया, लेकिन वही बात है कि पेपर थोड़ा फोल्ड हो जाता है, मोल्ड हो जाता है वाटर की वजह से। ब्लॉक है इसलिए मैंने इसमें कोई टेप यूज़ नहीं किया, फुल पेपर में मैंने काम किया है। अब आते हैं इसका ब्लॉक के बारे में। फोर साइड ग्लूड है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका फोर साइड ग्लूड है, देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, ये ऑलरेडी फुल फुल ब्लॉक को लेके ये मोल्ड हो चुका है। यहाँ से भी फुल ब्लॉक को लेके मोल्ड हो चुका है। जो मेनली जो टीयर करने का जगह होता है ब्लॉक में, वो जगह इसमें नहीं बचा है, ये फुल पेपर छोड़ दिया है। पकड़ा हुआ है लेकिन फिर भी बहुत जगह में छोड़ दिया है। ये मुझे बहुत ख़राब लगा। पेपर ऑलरेडी फुल, एक पेपर मोल्ड होने का बात अलग है, लेकिन फुल ब्लॉक को लेके मोल्ड होना बहुत ख़राब है। यहाँ पे देखिए, पूरा एकदम बैंड हो गया है पेपर। एकदम ऑनेस्टली रिव्यू है, आप ट्राई कर सकते हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं एज ए प्रैक्टिस के लिए। ये एक्चुअली वो आर्टिस्ट ग्रेड तो है नहीं पेपर,
ठीक है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं रेगुलर प्रैक्टिस के लिए। वाटर कलर प्रैक्टिस रेगुलर होना चाहिए, उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। प्राइस पॉइंट में अगर जाएंगे तो इसका प्राइस है 325 रुपीज़, लेकिन आप अगर अमेजोन से परचेस करते हैं, आपके पास प्राइम है नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको 90 रुपीज़ लगेगा आपका डिलीवरी चार्ज, तो कुल मिला के 400 के ऊपर चल जाता है। अगर आप इसके साथ कंपेयर करें ब्रूस्टो का, ब्रूस्टो का जो 300 GSM का पेपर है, ये 18 शीट का ब्लॉक है, ब्रूस्टो का 12+4 यानी 16 शीट का आपको पैड मिलेगा। वो 4-साइड लूड नहीं है, 1-साइड लूड है, लेकिन उसका आपका प्राइस पड़ेगा 399 यानी 400 रुपया, उसका कोई डिलीवरी चार्ज नहीं है। इससे काफ़ी गुना बेहतर पेपर है, वो 25% कॉटन में मिलेगा, थोड़ा सेलुलोज़ का मिक्सचर है, लेकिन फिर भी उसका क्वालिटी बहुत अच्छा है, वो ज़्यादा मोल्ड नहीं करता है पेपर। ठीक है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं एज ए बिगिनर, आप रेगुलर प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को रिव्यू और बनाना नहीं चाहता हूँ, मैं आपको ये मेरा जो पेंटिंग है इसका एक पेंटिंग का मैं डेमो इसमें ऐड कर दूँगा, आप देखिए कैसे पेपर काम करता है। थैंक यू।
'Cause we've been told that's the way our world goes round. Walking on the grounds we've always known, stepping on the footprints in the snow. But when it melts, the other ways will show.